जो गाड़ी आपको पसंद आती है वो आपको हम ऑर्डर पे तैयार करके देंगे। कारीगर मौजूद हैं जड़े गड्डिया तैयार करें दे पेन और सेल करें दे पेन, उन्ना कुनु इन्हां दी डिमांड पूछदे हैं और इन्हां दी पावर भी पूछदे हैं और इनकी स्पीड भी पूछते हैं। टोटल जी मालूमात है ना, इंशाल्लाह तो आपको गेन दे ऐसा देने हैं। दोस्तों वीडियो दे नाल रामने, आज दी वीडियो बहुत कमाल थे वाली है। आपने गाड़ी प्यार की है, दोस्त भी हमारे इसका विजिट कर रहे हैं और एक साथ भी है, और आपने बहुत बड़ी वर्कशॉप भी बनाई हुई है इस गाड़ियों की। ये बेसिकली हमने इंडियन शेप में एक जो है ना मॉन्स्टर जीप तैयार की है, ये 17 इंच टायर्स के साथ। अच्छा, ये बड़े टायर्स होते हैं, ये हम बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं। इसी तरह ये आपने अक्सर देखी होंगी गाड़ियाँ, ये ज़्यादातर इंडिया में होती हैं। तो फिर हमने सोचा कि इसको पाकिस्तान में लाया जाए, इस टैलेंट को पाकिस्तान में ग्रो किया जाए। तो इसी तरह काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ तैयार कर रहे हैं, साथ महिंद्रा भी रेडी किया है इंडियन। अच्छा। उसके अलावा ये मॉन्स्टर जीप है, ये भी हमने जो है ऑर्डर पर रेडी की है। कब से स्टार्ट किया है काम ये? तकरीबन छोड़ दें, तकरीबन कोई 3-4 साल से ये काम स्टार्ट किया है। अच्छा, 3-4 साल से आपने ये काम स्टार्ट किया और बेहतरीन चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 4 सालों में आपने कितनी गाड़ियाँ बना कर बेची हैं? 4-5 सालों में तकरीबन कोई 10-12 गाड़ियाँ सेल कर दी हैं। अभी भी तकरीबन कोई 5-6 या इससे ज़ायद जो है काफ़ी गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं। अच्छा जी, अच्छा ये बताएं आप इसका जो है ना फ्रेम आप कहाँ से मंगवाते हैं? ये फ्रेम हम आर्मी ऑक्शन से भी लेते हैं और जैसे नॉर्मल लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनसे पुरानी गाड़ियाँ लेके उसका फ्रेम निकाल के फिर ही हम न्यू रेडी करते हैं। अच्छा, बॉडी टोटल न्यू रेडी करते हैं, टायर्स बाहर से, इसी तरह जो है ना पूरी गाड़ी जो है ना न्यू रेडी करते हैं। एक गाड़ी के टायर जो है ना ये मोटे लगाए हुए हैं और एक जो है ना ये भी आपने तैयार किया है? हाँ जी, हाँ जी, ये महिंद्रा भी हमने तैयार किया है, ये अभी रेडी हो रही है इसका प्रोजेक्ट। इसका नाम क्या बताया आपने? ये महिंद्रा है, इंडियन महिंद्रा। अच्छा, सिद्धू मूसे वाला कहा जाता है, सिद्धू मूसे वाली जो गाड़ी है ना ये वो उस नाम से मशहूर है। टायर जो है ना ये आप कहाँ से परचेज करते हैं? टायर ये हम बेसिकली ताइवान से इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान में ये बहुत मुश्किल मिलते हैं, फिर ही हमें बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, इंजन इसका जो है ना आपने कौन सा रखा हुआ है, कितने आस पास? इस गाड़ी के अंदर हमने 2.4 टर्बो इंजन रखा है डीजल में ना, 4X4 पेट्रोल में भी होती हैं लेकिन ज़्यादातर ये जो गाड़ियाँ यूज़ होती हैं वो डीजल में होती हैं। कहाँ तक ट्रैवल करती है अंदाज़ा? ये गाड़ियाँ जो होती हैं ये मतलब लॉन्ग रूट के लिए नहीं होती, ये होती हैं ओनली शशके के लिए। जैसे बंदा मतलब घर से निकाल लेता है कहीं साथ मतलब घुमा फिरा के 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक इसको चला सकता है, मतलब ये सिर्फ शशके के लिए है। अच्छा। इसको आप लॉन्ग रूट पे इस्तेमाल, मोटरवे पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। डीजल की एवरेज क्या बनेगी, तकरीबन कितने किलोमीटर करती है इसकी? डीजल की जो एवरेज है वो तकरीबन 11-12 किलोमीटर जो है ना पर लीटर पे दे देती है ये। अच्छा जी, जी सही है। तो स्पीड जो है ना रोड पे ये कितनी लगाती है? इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो तकरीबन है कोई 80 तक मैक्सिमम स्पीड, 80-90 तक जो है ना। अच्छा। मैक्सिमम स्पीड मारती है क्योंकि इसके टायर्स बहुत हैवी हैं जी, तो उसकी वजह से ना इस पर मतलब काफ़ी मतलब हैवी मतलब लोड पड़ता है। सही। तो ये जो मैक्सिमम स्पीड है वो 80-90 तक ये। अच्छा, हमारे जो दोस्त आपको देख रहे हैं कोई मतलब इसको ख़रीदना चाहता है? जी जी। तो वो किस तरीके से इसको खरीदे? हमारा टिकटॉक पे भी अकाउंट है, यूट्यूब पे भी है, पाक जीप मॉडिफाइड के नाम से ना, उस पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, उस पर हमारी गाड़ियों के रिव्यूज़ हर गाड़ी का जो है ना उस पर वीडियो लगा हुआ है। आपको जो पसंद आता है आप ऑर्डर करना चाहें, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, हर चीज़ दिया हुआ है। आप हमसे रब्ता करके जो गाड़ी आपको पसंद आती है वो आपको हम ऑर्डर पर तैयार करके देंगे। ट्रैक्टर वाले टायर लगते हैं? हाँ जी, जैसे उनका हिसाब किताब है ना। हाँ जी, अगर इसको ज़मीनों में चलाया जाए गाड़ी को? गाड़ी को ये आप ऑन रोड भी चला सकते हैं और ऑफ रोड भी चला सकते हैं आप, मतलब इसको जहाँ आपका दिल करे इसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये इजीली चलेगी। गाड़ी आपने बनाई है? हाँ जी। ये तकरीबन इसको कितने माह लगे हैं? इस प्रोजेक्ट पे तकरीबन कोई 4-5 मंथ या मिनिमम 4 मंथ लग जाते हैं इस प्रोजेक्ट पे। अच्छा जी, जी। एक गाड़ी को? हाँ जी, एक गाड़ी को। अच्छा, ये जो गाड़ी है ना ये हमें बहुत पसंद आई है, मोटे टायरों वाली गाड़ी। अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये रेडी हो रहा है, इंशाल्लाह इसका भी बहुत जल्द रिव्यू आ जाएगा हमारे पाक जी मॉडिफाइड टिकटॉक अकाउंट पे, वहाँ मज़ीद भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। हम जैसे प्रोजेक्ट रेडी होते हैं फिर वो साथ साथ ना उसका रिव्यू देते रहते हैं, तो इस गाड़ी का भी अभी ये रेडी हो रही है, जैसे ये कंप्लीट होगी उसके बाद इसका भी रिव्यू आ जाएगा। मुल्तान में किसी और जगह पे भी ये काम हो रहा है या आप बना रहे हैं सिर्फ? ये मुल्तान में
जो मॉन्स्टर जीपें हैं ना वो तकरीबन हम ही बना रहे हैं, क्योंकि इनके टायर्स जो हैं वो हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में और भी काफ़ी क्लब हैं, तो मुल्तान में फ़िलहाल हम ही हैं। अच्छा जी जी, तो आपने अभी इसकी प्राइस क्या रखी है फिर? इसकी प्राइस जो हम डिमांड करते हैं, जो हम ऑनलाइन ऑर्डर बुक करते हैं, वो 25.5 लाख में जो है ना ये कंप्लीट प्रोजेक्ट रेडी करते हैं। अच्छा, 25.5 लाख में? जी जी। ये एक गाड़ी या दोनों को बता रहे हैं? नहीं नहीं, ये एक गाड़ी है, एक गाड़ी। इसके खाली 6 लाख रुपए के तो खाली टायर हैं, रिमोट टायर जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा जी जी, बाकी मतलब टोटल इस गाड़ी की जो डिमांड है इसकी ज़्यादा है? हाँ जी हाँ जी, इसकी ज़्यादा है, इसकी जो है ना ये भी ज़्यादा है, ये अभी रेडी हो रही है। अच्छा, ये आप कैमरा इधर दिखाएंगे तो ये महिंद्रा है। तकरीबन जो है ना कितनी डिमांड होगी? ये तकरीबन जो है ना 29 लाख में रेडी करते हैं, ये 6 मंथ का प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये जो पीछे आपने गाड़ी को लगाया है वो क्या लगाया है इसको? ये जो रेड कलर का लगा हुआ है, ये गाड़ी के पीछे बेसिकली शो पीस होता है, जैक जैक टाइप होता है, आप जैक शो पीस के तौर पे हम ये लगाते हैं। अच्छा, तो ये आपने कितने लोगों के लिए बनाई है? अभी तो काफ़ी प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, तो जैसे हमें ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं, टिकटॉक से कस्टमर्स आते हैं, उनको फिर हम ऑनलाइन 5-6 आदमी या 7 आदमी बैठ जाए, इसको कोई मसला तो नहीं? नहीं कोई नहीं, कोई इशू नहीं। वैसे इतनी हैवी गाड़ी है, इसको कोई इशू ही नहीं, फ़र्क भी नहीं पड़ता। वैसे इसकी कोई आपने लिमिट रखी होगी वज़न की, मतलब इतना वज़न जो है ना इसके ऊपर भरा है? क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी अवाम है ना, पाकिस्तानी अवाम इसके ऊपर, आपको पता है मोटरसाइकिल 2 बंदों के लिए बनाया था, तो अभी वो 10-10 उठा रहा है। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं, इसकी सीटिंग कैपेसिटी आप वैसे तो 4 जो है ना रिकमेंड की जाती है, वैसे तो आप 6 भी बिठा सकते हैं, 5 भी बिठा सकते हैं, इसका कोई इससे कंसर्न नहीं है कि गाड़ी पर लोड पड़ेगा या गाड़ी चलेगी नहीं, तो आप इजीली जितना आपका दिल करे आप बिठा सकते हैं, जो इजीली गाड़ी पर बैठ सकते हैं। ऑर्डर पे बना रहे हैं? जी जी, ऑर्डर पे बना रहे हैं। अभी भी आपके सामने, आपने वर्कशॉप विज़िट की है, अभी भी यहाँ 5 प्रोजेक्ट यहाँ लगे हुए हैं, बाकी दूसरी वर्कशॉप है वहाँ भी काफ़ी प्रोजेक्ट रेडी हो रहे हैं, तो साथ साथ इंशाल्लाह आपको सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में दिखाएँगे। इंडियन थार भी आ रही है और उसके अलावा महिंद्रा भी आई हुई है, इस तरह साथ साथ काफ़ी प्रोजेक्ट आते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। आपने कोई भी गाड़ी रेडी करवानी हो, जीप रेडी करवानी हो, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मज़ीद डिटेल आपको जो है व्हाट्सएप पर। अगर कोई सवाल मेरे जहन में ना आया हो इस गाड़ी की खूबी जी जी जो आपके जहन में हो तो आप बता दें। इस गाड़ी की खूबी ये है कि इसके अंदर हम 4x4 भी इंस्टॉल करते हैं, ऑटो गियर भी है, ऑटो गियर के अंदर भी आती है गाड़ी। अच्छा, ये जीप ऑटो गियर में भी आती है। उसके अलावा इसके अंदर बुफर सिस्टम, एंड्रॉयड पैनल, तकरीबन पावर स्टेयरिंग होता है इसके अंदर, पावर क्लच होता है, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर हम हुड भी इंस्टॉल करते हैं, हुड के अंदर एसी भी इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, वो कस्टमर की ऑन डिमांड पे हम गाड़ी बनाते हैं, जिस तरह कस्टमर को गाड़ी चाहिए होगी उसी तरह हम उसको जो है बना के देंगे। बाकी मज़ीद आपको मैं रिव्यू की वीडियो दूँगा, तो आपने वो रिव्यू की वीडियो अपने व्यूवर्स को दिखानी है, उनमें काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होंगी, उम्मीद है कि आपके व्यूवर्स को पसंद आएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, और नंबर जो है ना जो भाई ने बताया, मज़ीद आप इसको जो है ना स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और भाई से जो है ना रابطہ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह नई नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। और इसी के साथ ही हमें इजाज़त चाहिए, अल्लाह हाफिज़।